क्या आप भी चाहते हो चारों तरफ सिर घुमाना? देखो ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आपको बस रन करना है, देन आई बटन का यूज करना है और फिर सिंपल आपको अपना सर्वबोर्ड ऑन करना है, देन अपने टीममेट से बोलना है आपके ऊपर स्नोबॉल थ्रो करें, एंड जैसे वो थ्रो करता है तुरंत से आपको अपना इंटरनेट ऑफ कर देना है, एंड यू कैन सी आपका जो सिर होगा भाई वो चारों तरफ घूमता रहेगा कुछ इस तरीके से, एंड बहुत ही क्रेजी ट्रिक है, तो भाई एक बार ट्राई करके देखना एंड मजा आ जाएगा। ट्रिक नंबर 16, भाई आप यकीन नहीं करोगे बट आप सर्वबोर्ड लेके इस ट्रिक से उड़ सकते हो। देखो ट्रिक एकदम सिंपल है, इस ट्रिक को यूज करने के लिए बस आपको ट्रेनिंग की ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, एंड यहाँ पर एक क्राफ्ट टूल कुछ इस तरीके से सेट करना है, देन सेकंड क्राफ्ट टूल कुछ इस तरीके से सेट करना है, देन क्राफ्ट टूल के पीछे जाना एंड थर्ड क्राफ्ट टूल कुछ इस तरीके से सेट करना है, एंड यू कैन सी आप सीधा भाई जमीन के अंदर चले जाओगे, देन आपको ऊपर आना है एंड जितने भी क्राफ्ट टूल है सबको हटा देना है। अब देखो भाई आप जमीन के ऊपर रख के भी जो पानी वाला सर्वबोर्ड है उसे यूज कर पा रहे हो, देन आपको जो स्टिक को आगे खींचना है, देन गेम को मिनिमाइज रख कर देना, एंड जैसे आपको फ्रेंड दिखेगा तो लिटरली भाई उसे आप कुछ इस तरीके से हवा में उड़ते हुए दिखाई देने वाले हो, वो भी भाई सर्वबोर्ड के साथ, एंड लिटरली इस ट्रिक को देख के आपका फ्रेंड एकदम पागल हो जाने वाला है। तो क्या कर रहे हो भाई, ट्राई करना इस ट्रिक को और अपने फ्रेंड लोगों को पागल बनाना, मस्त वाला ट्रिक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 15, भाई हैंगर का आपको एक बहुत ही गजब वाला ट्रिक दिखाने वाला हूँ, लिटरली इस वाले ट्रिक को यूज करके जो हैंगर पे ये बड़ा वाला वेयर हाउस है इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो, वो भी सिर्फ दो ग्लूवल का यूज करके। देखो सिंपली आपको ये वाली लोकेशन पे आके एक ग्लूवल कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, देन उसके साइड में आपको सेकंड ग्लूवल भी सेट करना है, फिर इस रेलिंग पे से एक जंप लगा के ग्लूवल के ऊपर आना है, एंड यहाँ से आपको सिंपली सेकंड ग्लूवल के ऊपर आ जाना है, देन आपको एक जंप करना है वेयर हाउस के ऊपर, देन फिर रन करते हुए दो तीन जंप करोगे तो लो जी आ चुके हो आप इस बड़े वाले वेयर हाउस के ऊपर, एंड एक बार आप यहाँ पर आ गए तो भाई हैंगर पे जितने भी बंदे उनको आप बड़ी आसानी से किल कर सकते हो, तो ट्राई करना इस ट्रिक को और भाई हैंगर पे जितने भी बंदे उनको मस्त तरीके से किल करना, और गजब बात भाई आप कुछ भी कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक एम भी कंप्लीट कर देना। ट्रिक नंबर 14, भाई ग्रेवयार्ड के पास आपने ये वाला वेन तो देखा ही होगा, इसके पास जस्ट आपको एक बाइक कुछ इस तरीके से सेट करना है, देन जैसे ही गेट ऑफ करोगे तो लो जी भाई आप सीधा इस वेन के अंदर आ जाओगे, एंड इसके अंदर आके आप मस्त तरीके से यहाँ से रैंक पुश कर सकते हो, अगर बंदों को किल करना है तो यहाँ पर जो स्टिक को आगे रन करना है, देन गेम को मिनिमाइज करना है, जैसे वापस आओगे भाई सीधा आप जमीन के अंदर आ जाओगे, एंड यहाँ रह के आप मस्त तरीके से बंदों को किल कर सकते हो, साथ में अगर आपको बिल्कुल अंडरग्राउंड जाना है तो बस जो स्टिक को हल्का सा मूव करना है, एंड लो जी आप सीधा भाई जमीन के अंदर आ जाओगे, एंड लिटरली यहाँ से आप मस्त तरीके से नीचे से पूरा व्यू ले सकते हो, और बाहर निकलना बिल्कुल इजी है, आप यहाँ से जस्ट बाहर भी निकल सकते हो। ट्रिक नंबर 13, भाई आपको सीपीआर का एक बहुत ही गजब वाला ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप सीधा इस वेयर हाउस के ऊपर चले जाओगे, वो भी सिर्फ एक ग्लूवल का यूज करके, जस्ट आपको इस वेयर हाउस के पीछे आना है एंड यहाँ पर सिंपली एक ग्लूवल कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है, देन आपको इधर आना है, जो ये क्रेन है भाई इसके सिंपली आपको ऊपर चले जाना है, एंड ऊपर जाने के बाद में यहाँ से आपको स्कोप ऑन करके इजिली इस रेलिंग के ऊपर आ जाना है, देन यहाँ से एक जंप करना है और सीधा आप भाई इस बड़े वाले वेयर हाउस के ऊपर आ जाओगे, एंड अभी आप देख सकते हो मैं भी इस वेयर हाउस के ऊपर आ चुका हूँ, एंड यहाँ से भी आप प्यार पे जितने भी बंदे हैं भाई इनको बड़ी आरामी से किल कर सकते हो, सो मस्ट ट्रिक है भाई, इस ट्रिक को ट्राई करना अगर सीपीआर पे आप आते हो तो। ट्रिक नंबर 12, भाई इस महिंद्रा कार के साथ आपको एक ऐसा ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप हीरोइक ग्रैंड मास्टर ऐसे चुटकी बजा के चले जाओगे, तो देखो इस वाली ट्रिक में आपको क्या करना है, सिंपली एक कार को जो ये पानी है भाई इसके अंदर उतार देना है कुछ इस तरीके से, देन गाड़ी से एग्जिट करना है, गाड़ी के बोनेट पे आगे आपको रन करते रहना है, देन आप कुछ इस तरीके से खड़े हो जाओगे आधी गाड़ी के ऊपर, देन आपको इधर आगे की ओर आना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली लेट जाना है, एंड जैसे लेटोगे तो आप मस्त तरीके से हाइड हो जाओगे, एंड हाइड होने के बाद में भाई आप यहाँ पर रैंक पुश कर सकते हो, साथ में अगर कोई एनिमी भी जाता है तो भाई उसे भी मस्त तरीके से आप यहां से किल कर सकते हो, एंड मस्ट ट्रिक है तो ट्राई करके देखना भाई, आप किसी को दिखाई भी नहीं दोगे और मस्त तरीके से आप रैंक पुश कर पाओगे। ट्रिक नंबर 12, भाई आपको हेल्पलाइन मैप का एक बहुत ही मस्त वाला ट्रिक दिखाता हूं, सिंपली आपको ये वाली लोकेशन पे एक कार को लेके आना है सिंपली इस वाली ब्रिज के पास, एंड देन आपको क्या करना है इस ब्रिज के पास इस कार को कुछ इस तरीके से सेट करना है, देन गेट ऑफ करना है, एंड जैसे गेट ऑफ करोगे सीधा आप इस वाली ब्रिज के अंदर आ जाओगे, एंड जैसे जो स्टिक को थोड़ा बहुत हिलाओगे तो भाई सीधा आप एकदम अंडरग्राउंड आ जाओगे, एंड यहाँ से भी सेम ट्रिक है, आप सीधा इधर आके यहाँ से बाहर इजिली निकल सकते हो, तो ट्राई करना इस वाली ट्रिक को, मस्त ट्रिक है। ट्रिक नंबर 11, भाई ये वाली ट्रिक को ट्राई करने के लिए जस्ट आपको एक ये हुक गन चाहिए, फिर आपको कोई सी भी एक गाड़ी के पास आ जाना है, फिर आपको जस्ट ड्राइव और जो फायर का ऑप्शन है दोनों को एक साथ ही क्लिक करना है, एंड जैसे आप ऐसे करोगे तो बस अब भाई आप जैसे ही कोई इमोट करके मेडिकेट करोगे तो भाई आप इमोट के साथ मेडिकेट यूज कर सकते हो, नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है बट इस ट्रिक को यूज करके ये पॉसिबल है, एंड अगर खाली मेडिकेट यूज करोगे जो आपके हाथ में गन होगा भाई वो ही इनविजिबल हो जाएगा, तो आप ट्राई करके देखना भाई आपके साथ भी यही होगा।
नंबर 10, क्या भाई आपको पता है अगर आप कस्टम बना के लिमिटेड एमओ को नो करते हो तो आपके पास ग्लू होल तो अनलिमिटेड होता ही है, बट आपके पास जो मिनी लॉन्च पैड होता है वो भी भाई आपके पास अनलिमिटेड हो जाता है। तो ट्राई करके देखना इस ट्रिक को, आप लिमिटेड एमओ नो पे सेट करके कस्टम बनाना एंड जो लॉन्च पैड होगा वो भाई आपके पास मतलब एक लॉन्च पैड होना चाहिए, देन आप अनलिमिटेड उसे यूज कर सकते हो। ट्रिक नंबर 9, भाई इस ट्रिक का यूज करके आप सामने वाले एनिमी की एकदम अनलिमिटेड हेल्थ कर सकते हो। देखो आपको पानी के अंदर आना है, देन सर्वो डॉग और जो फायर का ऑप्शन होता है दोनों को एक साथ क्लिक करना है, देन आप एनिमी को डैमेज तो दोगे बट उसे एक एचपी का भी डैमेज नहीं आएगा, और आप जितना भी ट्राई कर लो भाई उसको डैमेज तो लगेगा बट उसे एक एचपी का भी डैमेज नहीं होगा। तो ट्राई करके देखना इस वाली ट्रिक को। ट्रिक नंबर 8, भाई मरने के बाद इस वाले ट्रिक को यूज जरूर से करना। देखो इस ट्रिक में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने टीममेट से बोलना है स्कोप ऑन करने को, एंड जैसे वो स्कोप ऑन कर लेता है देन आपको अपना सिंपली इंटरनेट ऑफ कर देना है। 2 से 3 सेकंड के लिए इंटरनेट को ऑफ रखना है, देन तुरंत से अपना इंटरनेट ऑन कर लेना है, एंड बस अब अपने टीममेट से बोलना है आपको फायर करने को, एंड जैसे वो फायर करेगा तो भाई आपको कुछ इस तरीके का मैजिक दिखेगा। बीच में आपको स्कोप दिखेगा एंड साइड में जिस गन से वो फायर करेगा वो वाली गन दिखेगी। तो ट्राई करके देखना इसको। ट्रिक नंबर 7, भाई ओरियन कैरेक्टर का आपको एक बहुत ही मस्त वाला ट्रिक दिखाऊंगा जिसे देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको स्मोक ग्रेनेड में से कुछ भी हाथ में लेना है, उसे कुक करना है, देन ओरियन की एबिलिटी पे क्लिक करना है, एंड बस अब ओरियन का एबिलिटी जैसे ही खत्म होगा आप कुछ इस तरीके से हो जाओगे एंड कुछ इस तरीके से रन भी कर पाओगे। अब बस आपको जिपलाइन के पास जाना है, जंप करके जिपलाइन को यूज करना है, एंड जैसे ही करोगे तो भाई देखो आप कुछ इस तरीके से जिपलाइन को यूज कर पाओगे। मतलब देखो मैंने हाथ में अभी भी ग्रेनेड पकड़ रखा है, मतलब जिपलाइन को नहीं पकड़ रखा बट एक्चुअली में मैंने जिपलाइन यूज करा है। देखो भाई मैं बहुत ही मस्त ट्रिक बताता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, बट अगर आप ऐसे ही ट्रिक देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। ट्रिक नंबर 6, भाई आपको मॉन्स्टर ट्रक का बहुत ही कूल एंड क्रेजी वाला ट्रिक दिखाता हूँ। जस्ट इस वाली ट्रिक में अपने टीममेट से बोलना है मॉन्स्टर ट्रक के पीछे कुछ इस तरीके से लेट जाए, एंड जैसे आपका टीममेट कुछ इस तरीके से लेट जाता है तो आपको क्या करना है, मॉन्स्टर ट्रक का एक टायर कुछ इस तरीके से अपने फ्रेंड के ऊपर चढ़ा देना, देन अपने टीममेट से बोलो मॉन्स्टर ट्रक को ड्राइव करने के लिए, एंड यू ऑल्सो नाउ इंटर पे क्लिक करना है आपको, एंड जैसे आपका फ्रेंड मॉन्स्टर ट्रक को ड्राइव करेगा तो देखो भाई जो मॉन्स्टर ट्रक का एक टायर होगा वो कुछ इस तरीके से आपको हवा में दिखाई देगा जो कि बहुत ही मस्त लगता है। तो ट्राई करके देखना भाई, आपको पता ही होगा पानी के अंदर गाड़ी चलाना पॉसिबल ही नहीं है, बट इस ट्रिक से आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो यार। देखो आपको कोई सा भी गाड़ी लेके आना है, देन आपको रेस वाले बटन पे क्लिक करते हुए गेम को मिनिमाइज कर देना है, एंड बस अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको अपने फ्रेंड के व्यू में जाना है, एंड जैसे आपको फ्रेंड देखेगा तो भाई उसे कुछ इस तरीके से आप दिखाई देने वाले हो, मतलब लिटरली भाई आपकी जो गाड़ी होगी वो सीधा पानी के अंदर से निकल जाएगी, एंड आपका फ्रेंड का बस एक ही रिएक्शन रहेगा, यू आर हैकर। भाई ट्राई करना इस वाली ट्रिक को और अपने फ्रेंड को पागल बनाना। ट्रिक नंबर 4, भाई इस वाली ट्रिक को ट्राई करने के लिए जस्ट आपको क्वार्टर टावर की ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, एंड यहाँ पर 2 ग्लू होल इस पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, देन यहाँ से ग्लू होल के ऊपर जंप लगा देना है, एंड ग्लू होल पे से इस पेड़ के ऊपर आ जाना है, देन आपको जो इस ट्रिक को लेफ्ट राइट मूव करना है, एंड आप देखोगे कि जो पेड़ है उसके ऊपर आप धीरे धीरे चढ़ पा रहे हो, एंड ऐसे मूव करते करते भाई इस वाले पेड़ का आप बिल्कुल टॉप पे आ जाने वाले हो, एंड अभी आप देख सकते हो भाई मैं भी इस पेड़ के बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर आके आप भाई मस्त तरीके से आप रैंक पुश कर सकते हो, साथ में कोई एनिमी आ जाता है तो उसे मस्त किल भी कर पाओगे। ट्रिक नंबर 3, भाई आपको फैक्ट्री का एक बहुत ही मस्त वाला ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आपको फोकट का किल मिल जाएगा। जस्ट जो ये आप बॉक्स देख रहे हो आपको इनके ऊपर आना है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैठ के आपको एक लैंड माइन सेट कर देना, एंड जो आपका लैंड माइन होगा भाई वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, एंड जैसे उस लैंड माइन के पास कोई एनिमी जाएगा तो मस्त तरीके से उसे डैमेज मिल जाएगा या आपको किल मिल जाएगा। ट्रिक नंबर 2, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है भाई, लिटरली इस ट्रिक को देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके जल्दी से देखो ना। बाय द वे अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में येलो हार्ट कमेंट जरूर से कर देना, येलो या रेड कुछ भी।